किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नव वर्ष 2022 पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए वरदान है, क्योंकि देश में 86% छोटे किसान यह सम्मान निधि कर्ज से मुक्त करने वाली और घाटे की खेती को लाभ का धंधा बनाने वाली है। और कहा कि 1 जनवरी 2022 को देश के 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। साथ ही 351 किसान उत्पादक समूह को 14 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी ट्रांसफर करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद व्यक्त किया है। अंग्रेजी नया वर्ष 2022 किसानों के लिए खुशियां लेकर आया है। हमारे किसानों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त 1 जनवरी 2022 को 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी एक क्लिक दबाकर देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ से भी अधिक की राशि किसानों के खातों में डालेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का और भारत सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं किसानों की ओर से कि सच्चे मायने में आजाद भारत में पहली बार किसी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोटे किसानों की आय बढ़े, वो घाटे की खेती ना करें, वो कर्ज के चंगुल में ना फंसे, साहूकार के चंगुल में ना फंसे, इसके लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है, जो हमारे छोटे 10 करोड़ किसानों के लिए जीवनदायिनी है, कर्ज से मुक्त करने वाली है, घाटे की खेती को लाभ का धंधा बनाने वाली है। उसके लिए मैं किसान भाइयों को बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर 2,000 करके 6,000 भारत सरकार और 2,000 करके 4,000 प्रदेश सरकार, इस प्रकार 10,000 रुपये प्रतिवर्ष छोटे किसानों को, वैसे तो सभी किसानों को दे रहे हैं लेकिन छोटे किसानों के लिए वरदान है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।